ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे को इंग्लिश में क्या कहोगे? पढ़े लिखे को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट। क्या कहते हैं? लिटरेट, LIT लिट, RATE रेट। लिटरेट यानी होता है पढ़ा लिखा। एग्जाम्पल में देखिए, मैं जैसे कहता हूँ कि मेरे एग्जाम्पल में आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी और अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखिए, लिटरेट पीपल आर इजी टू फाइंड इन इंडिया नाउ। लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे व्यक्ति को इजिली फाइंड किया जा सकता है इंडिया में, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उन्हें फाइंड करना बहुत ईजी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द सन ऑफ गुप्ता जी इज लिटरेट, डोंट टेल हिम स्टूपिड। गुप्ता जी का जो लड़का है वो पढ़ा लिखा है, उसे बेवकूफ मत कहो। थर्ड एग्जाम्पल पे आओ, यू आर लिटरेट, डोंट एक्ट एज अ फूल। तुम पढ़े लिखे हो, बेवकूफों की तरह एक्ट करना बंद करो। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यह कह सकता था जो गुप्ता जी का लड़का है वो अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन मैंने यहाँ पर यह एग्जाम्पल लिया। क्यों लिया? ताकि हम पॉजिटिव हो सके, हमारा माइंड पॉजिटिव हो सके और हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। जब अच्छा माइंडसेट होगा, अच्छे थॉट्स होंगे, अच्छा बिहेवियर होगा, तो हम हर जगह पूजे जाएंगे, हमारी हर जगह रिस्पेक्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वर्ड्स के साथ क्या मिलता है? एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है, हाई वाइब्रेशंस मिलती है। आते रहिए, यहाँ आने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका माइंडसेट अच्छा होगा और सब कुछ शानदार होगा। आते रहिए जो वो कैब में, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज आता हूँ कुछ 2-3 वीडियोज के साथ में। अब मिलते हैं नए वीडियो में, नए वर्ड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हाई वाइब्रेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू ऑल।